Hey guys, welcome to Diamond Stone Gaming. मैं हूँ DSG8V360 और मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत सारे इवेंट अपडेट की, जैसे कि पहला इवेंट अपडेट गिफ्ट स्टोर, दूसरा इवेंट अपडेट आपका थर्ड एनिवर्सरी। तो गाइस, सबसे पहले गिफ्ट स्टोर की बाद में बताऊंगा, मैं उससे पहले इवेंट अपडेट के बारे में बताता हूँ, गिफ्ट स्टोर के बाद में लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो थर्ड एनिवर्सरी का जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, उसको मैं पूरा पहले से सब कुछ बता रहा हूँ और कैसे आपको रिवार्ड्स मिलेंगे उसका मैं बता रहा हूँ। तो गाइज, पहले आपको यहाँ पे दिखेगा टाइम टनल, तो टाइम टनल में गो टू करने का गाइज। गो टू करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेंगे एक्सप्लोर मिशन। तो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने चालू किया था तो एक्सप्लोर मिशन, यहाँ पे कुछ नहीं करने का गाइज। यहाँ पे जो कैरेक्टर की स्किल है ना, यहाँ पे कोई सा भी कैरेक्टर आप डाल दो, आपको ये रिवार्ड्स मिल जाएगा गाइज। तो गाइज, पहला वाला जो था 6 मिनट का था, जहाँ पे मैंने हायातो डाला था और हायातो का मिशन मुझे क्लेम रिवार्ड्स में मिल चुका है। तो गाइज, यहाँ पे बाकी और एक था जहाँ पे 3 सीट्स था, तो वहाँ पे मैंने 3 सीट्स का कैरेक्टर डाला है, तो वहाँ पे भी मुझे ये चीज़ मिल जाएंगे कुछ 7 घंटे के बाद। गाइज, यहाँ पे तीसरे जगह पे मैंने एक कैरेक्टर डाला था आलोक का, तो वहाँ पे भी मुझे 12 घंटे के बाद इसका रिवार्ड मिल जाएंगे। गाइज, ये रिवार्ड्स कैरेक्टर नहीं होगा, रिवार्ड्स ए होगा। जो कोई भी कैरेक्टर बताते हो गलत बताते हैं गाइज, रिवार्ड्स कैरेक्टर नहीं मिलेगा, कैरेक्टर के बदले मिलेंगे आपको ये चीज़, कैरेक्टर नहीं मिलेंगे रिवार्ड्स। तो गाइज, तो इसको मैंने क्लेम करता हूँ, देखो मुझे रिवार्ड्स ए मिला है, हायातो का फ्रेगमेंट मिला और एक टोकन मिला है। तो गाइस, ये टोकन का एक्सचेंज यहाँ पे देखो, और एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कहीं भी जाके, और एक चीज़ मैं डाल सकता हूँ कहीं भी डाल सकता हूँ, जैसे मिगुअल डाल दिया एक सीट्स में और क्ला डाल दिया, तो इसको भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये 4 घंटे के बाद फिर से मुझे एक रिवार्ड्स दे देगा। तो गाइज, ऐसे करके हम सारे कैरेक्टर डाल सकते हैं और यहाँ पे सारे रिवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, मतलब आप जितने बार करोगे उतने बार आपको मिल जाएंगे गाइज। तो गाइज, इसलिए मैंने ये करने के बाद डाला था, क्योंकि एक बार मिलेगा या 10 बार मिलेगा, इसके लिए ही मैं डाला, मैं इसको क्लेम करने के बाद, इसके लिए मैं वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ। तो गाइज, सेकंड जो है, यहाँ पे शेयर वाला मिशन है, जैसे वर्ल्ड टूर में था वैसे शेयर वाला मिशन है, जो कि आपको कंप्लीट करना है कितना मिलियन, 10,000 मिलियन, मतलब कुछ 1 बिलियन या 10 बिलियन, 10 बिलियन, तो जो भी है गाइस। तो इसके लिए यहाँ पे आप लॉगिन करके यहाँ पे रिवार्ड ले सकते हो, मैंने रिवार्ड ले लिया, एक शेयर कर दिया, तो इसका शेयरिंग चालू है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ तक आपको 10 मिलियन करना है, 10,000 मिलियन करना है आपको थर्ड एनिवर्सरी के दिन तक, 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे गाइस, ओएब इवेंट जो है वो अभी तक ओपन हुआ नहीं, तो ओएब इवेंट जो है ओपन होने के बाद मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ मिलने वाला है गाइस। तो थोड़ा बहुत रिफ्रेश करके देख लेते हैं गाइस, ऐसे नहीं ओपन होगा, ओपन नहीं होगा, एक शायद कुछ दिन बाद ओपन होगा। तो गाइस, यहाँ पे देखो एक और है, टाइम कैप्सूल स्टोर, एक कैप्सूल आपको कहाँ से मिलेगा, एक कैसे आप इसको करोगे। तो गाइज, 13 अगस्त से, मतलब आज के दिन से 31 अगस्त तक हर एक मैच में आपको एक मिलेगा, मैक्सिमम आपको एक डे में 5 मिलेगा। लेकिन गाइज, जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, यहाँ पे देखो आपको क्या बोलता है, 23 अगस्त को, जो एनिवर्सरी के दिन है 23 अगस्त, उसमें आपको पर डे में 5 मिलेगा, और कितना मिलेगा गाइस, अनलिमिटेड मिलेगा, मतलब इसको आपको अनलिमिटेड कलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने कलेक्ट किया था उस बार टोकन वो वाला, वैसे ही आपको अनलिमिटेड मिलेगा, तो आप कर सकते हो, और एक एक्सचेंज करके आप 10 ए वाला टोकन भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो गाइस, 10 ए वाला टोकन एक्सचेंज करके आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एक टोकन एक्सचेंज वाला चीज़ है, यहाँ पे मेरा एक टोकन है, तो मैं एक टोकन पुश करता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, यू हैव लेस देन 10 चिप्स अनेबल टू एक्सचेंज, अच्छा 10 चिप्स के बदले अगर 10 ना हो तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे 10 चिप्स भी होना चाहिए आपके पास, तब आप एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ रिवार्ड्स मिल सकते हैं। तो रिवार्ड्स कहाँ पे मिलेगा, रिवार्ड्स क्या मिलेगा, अच्छा ये वाला चीज़ ओपन कर सकते हो आप, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, फिर यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ऐसा करके आपको सारे इवेंट का अपडेट्स आप एक्सेप्ट क्लेम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे लॉक्ड है, यहाँ पे एंटीबॉडी का स्किन वो मिलेगा, तो यहाँ पे लॉक है। ये वाला क्या मिलेगा, एक सॉफ्ट बर्ड मिलेगा, वो भी लॉक है। थर्ड एनिवर्सरी के लास्ट डे में क्या मिलेगा, अच्छा ये कुछ और मिलेगा, मतलब लकड़े का स्किन, बैट का स्किन। तो गाइज, जो भी है बहुत मजेदार इवेंट होने वाला है, मुझे भी अब तक पूरा क्लियर है नहीं कि क्या होने वाला था, जैसे जैसे मुझे क्लियर होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो गाइज, अभी बात करते हैं गिफ्ट स्टोर की। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है 3 महीने में एक बार गिफ्ट स्टोर आता है, वो भी चुतियाबंदी की वजह से इस बार नहीं है।
तो गाइस जो भी है चुतियाबंदी हो चुका है खत्म। गिफ्ट स्टोर आने वाला है 30 अगस्त और 31 अगस्त को, दो दिन के लिए रहेंगे ये गिफ्ट स्टोर। और आपको 50% में आप कहीं भी गिफ्ट कर सकते हो, कुछ भी गिफ्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे कैरेक्टर, सारे इमोट्स, सारे कार स्किन आपको गिफ्ट में मिलेंगे, जैसा कि एज पर थंबनेल में मैंने बताया। तो ऐसा सारे चीज आपको गिफ्ट स्टोर में मिलेगा, शायद किमिनार बंडल भी आपको देखने को मिल जाए। तो गाइस बहुत ही मजेदार होने वाला है ये गिफ्ट स्टोर का इवेंट इस बार का, अगस्त का इस बार का जो गिफ्ट स्टोर का इवेंट होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो गाइस धीरज रखो, सब कुछ आएगा। और जिसने भी टॉपअप वॉपअप करके नहीं रखा ना गिफ्ट स्टोर के लिए, भाई फटाफट कर लियो, बाद में टाइम ना मिलेगा। तो बहुत हो गया ना आज का, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं तो चलता हूँ पैसा कमाने।